गया के मानपुर प्रखंड के बुनियादगंज थाना क्षेत्र से रंगदारी मांगने के मामले में हथियार के साथ दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी मनीष कुमार ने बताया कि जिले के मानपुर प्रखंड के मुफसिल थाना क्षेत्र में दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों के पास से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस के साथ दो देसी पिस्तौल, एक खोखा और एक मोबाइल बरामद किया है। अपराधियों के द्वारा मानपुर प्रखंड के ही एक शख्स से रंगदारी की मांग की गई थी। पीड़ित के आवेदन पर बुनियादगंज थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। बता दें कि अपराधी चंदन कुमार पटना और यशमेंद्र कुमार गया जिले का रहने वाला है। दोनों अपराधियों को मानपुर के मुफसिल थाना क्षेत्र में मोबाइल लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। गिरफ्तारी हुई और दोनों के पास से एक एक पिस्टल, एक ही पिस्टल बरामद हुआ है और एक के पास एक लाइव कार्टून और एक खोखा फंसा हुआ पिस्टल है, वो बरामद हुआ है। ये दोनों लड़के जो है, ये इन्होंने रंगदारी मांगने का भी एक घटना की थी 28 तारीख को, जिसका प्राथमिक प्राथमिकी 30 अक्टूबर को, जिसमें एक लड़का पटना का है और एक लड़का मानपुर का है। किससे रंगदारी मांगी गई थी? ये एक व्यक्ति नाम का है, उसके घर से उसकी शायद माँ से मांगा गया। उनका आपराधिक इतिहास, आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल गए। तो मानपुर में हसरे बुनियादगंज किस स्थान बुनियादगंज।